आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों को महत्वपूर्ण अपडेट हमेशा ही प्रदान करता रहा है और आगे भी जो चीज़ें जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं वो आप सभी लोगों के हित के लिए ही की जा रही हैं, ताकि आप लोगों को अपने प्रतियोगी जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले आप सभी लोगों से एक जरूरी बात करनी है हमें। अगर आप लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, खंड शिक्षा अधिकारी और यूपीटी प्लससी की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर ले लेना चाहिए और निश्चित सफलता प्राप्त करने हेतु ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा। याद रखिए 9721413385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग नोट्स आदि को बुक कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर मैटर आप सभी लोगों को बताएंगे और जितनी भी जानकारियाँ हैं सारी जानकारियाँ का निचोड़ सार तत्व यहीं पर मिलता है आप सभी लोगों। एक विवाद जो मतलब घिरा पड़ा है कि भैया क्या बीएड और 50% लागू हो रहा है क्या। तो देखिए, अगर आपने बीएड किया है ठीक है तो विदाउट 50% आपने बीएड किया ही नहीं होगा स्नातक में, ठीक है ना। स्नातक या परस्नातक दो में से एक में होना चाहिए ठीक। लेकिन अब जो जीआई मतलब प्रवक्ता लेवल का जो एग्जाम परीक्षा होती है उसमें भाई आप स्नातक करेंगे तभी तो परस्नातक करेंगे। कैसा है कि मतलब पहले परस्नातक कर लेंगे फिर स्नातक करेंगे, उसमें भी यही नियम लागू होता है ना। और आपने केवीएस की जो मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया है उसमें देखिए बीएड वगैरह वाले सम्मिलित हैं, ऐसा नहीं कि बाहर कर दिए गए हैं, क्योंकि वो बाहर किए ही नहीं जा सकते है ना। जबरा मारे रोन न दे, बस वही वाली कहावत है इसमें ठीक है। तो भाई ये चीजें होनी चाहिए और स्नातक में 50% लागू करना ये तो हमेशा से रहा है, इसमें कौन सी जो है मतलब दोहराए रही है ठीक है। तो स्नातक में यदि किसी का 50% नहीं है तो जाहिर सी बात है कि फिर वो बीएड कंप्लीट कैसे किया होगा है ना। बाद में नियम कानून बदलते रहे हैं लेकिन हाँ इतनी चीजें जरूर हैं कि जैसे टीजीटी वगैरह में है, नई टीजीटी की जो वैकेंसी आने वाली है तदर्थ शिक्षकों के पदों पर, उन सारी चीज़ों को लेकर के मतलब जो है विवाद की स्थितियां ना बनने पाए, इन सारी चीज़ों को के लिए भी आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि किसी भी प्रकार के 50% की कोई सुगवाहट नहीं है ठीक है ना। इसके लिए कोई शासनादेश है ना ही शासन इस पर विचार कर रहा है और ना ही ऐसी कोई चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं ठीक। आप लोग निश्चिंत होकर के बेफिक्र होकर के तैयारियाँ करते रहिए और केवीएस में जो 50% लागू किया गया वो स्नातक में और बीएड के साथ जो है वो चीज़ें की गई हैं ठीक है ना। लेकिन आपके जीआईसी प्रवक्ता में इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को नहीं देखने के लिए मिलेगी और ना ही टीजीटी पीजीटी में लगने वाला है और ना ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लगेगा ठीक। एडेड जूनियर में यही करने का प्रयास किया गया था लेकिन बाद में जो है विद्यार्थियों को रिलैक्स मिल गया था इससे ठीक है। विद्यार्थी कंपटीट कर रहे हैं ना, अगर आप लिखित परीक्षा नहीं करा रहे हो डायरेक्ट मेरिट के थ्रू जो है नियुक्तियां कर रहे हो तब आप उसमें नियम कानून लगा सकते हो, क्योंकि एक ही चरण की परीक्षा है, आपने मेरिट बनाई जो मेरिट में आया उसको नियुक्ति दे दी है ना। लेकिन अगर आप जो है मतलब टेट करा रहे हो, सी टेट करा रहे हो, सुपर टेट करा रहे हो है ना, आप प्रीलिम्स करा रहे हो, जो भी चीजें आप कर रहे हो वो सारी चीजें जो है वहां पे फॉलोअप नहीं होती है। किसी भी तरीके की अगर आगामी समय में जो है मतलब इन समस्याओं को लेकर के जो है निदान ढूंढने का प्रयत्न किया जाए तो यही एक चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं शासन स्तर से भी कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप लोग बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां करिए। केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक अपना अलग स्ट्रक्चर होता है ठीक है ना, और उनकी चीज़ें जो हमेशा होती हैं बिल्कुल भी अलग होती हैं, वो प्रीमेंस इंटरव्यू वाले इंसान हैं ठीक है। और केवीएस में जो मतलब किसी भी विषय का विद्यार्थी हो, चाहे वो संस्कृत का हो, हिंदी का हो, गणित का हो, विज्ञान का हो, अंग्रेजी का हो, उर्दू का हो, समाज विज्ञान का हो, कोई भी विषय हो है ना, सबको गणित,
हिंदी, रीजनिंग, जीएस, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं और देना पड़ता है। ठीक, तो उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल भी अलग है। हालांकि जो है मतलब 6,000, 6,500 से अधिक जो है मतलब पद आए हुए हैं पीआरटी में। जो भी विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, सीटेट वगैरह पास हैं, वो विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और बहुत बेहतरीन नौकरी है, आप सभी लोगों को अवश्य इसके लिए प्रयास करना चाहिए। हाँ, इसके नोट्स वगैरह जो है हमारे पास प्रिपेयर्ड हैं। अगर आप लोग केवीएस के तैयारी कर रहे हैं तो आप केवीएस के नोट्स हमारे 97/41/85 पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। एडेड जूनियर पे जो स्टे लगा हुआ था शासन की तरफ से, वो स्टे हटा लिया गया है। ठीक है, और शासन ने जो है मतलब अधिकारियों को इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि आप लोग जो है पूरी तरीके से पद वाइज इन सारी वैकेंसीज का डिटेल शीघ्रातिशीघ्र विद्यार्थियों के सम्मुख जारी करें, ताकि विद्यार्थियों को ये पता चल सके कि वो इन्होंने जिस विषय के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, उसमें क्या कुछ हुआ है ना, कोई चीजें आगे बढ़ी, कितने सीटें हैं है ना, और किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, वो सारी चीजों की डिटेल उन विद्यार्थियों के सामने विस्तृत तौर पर जो है वो एडेड जूनियर की जारी की जाए। ठीक है, तो मुमकिन है कि शीघ्रातिशीघ्र इन सारे मुद्दों पर कार्य शुरू होंगे और आप लोगों के एडेड जूनियर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि भाई इन सारे मुद्दों को लेकर के एक लोग जो है कोर्ट में भी गए थे, कुछ विद्यार्थी गए थे और कह रहे हैं कि मतलब जो है चयन बोर्ड को हमने आदेशित करा दिया है कि वो सदस्य वगैरह की नियुक्तियां करें। तो चयन बोर्ड के हाथ में कुछ नहीं, चयन बोर्ड मतलब एक घंटी है जिसे कोई भी बजा सकता है। ठीक है, मतलब घंटी की तरह जैसे मंदिर मंदिर में जो है मतलब घंटा नहीं टांगा रहता, जो जाता है वही टन्ने से मारता है उसको, वही स्थितियां चयन बोर्ड की होती हैं। चयन बोर्ड पूरी तरीके से शासन के अधीन कार्य करता है। ठीक है, इसलिए जो नियुक्ति और चयन की प्रक्रिया है, ये नियुक्ति और चयन की प्रक्रिया पूरी तरीके से शासन के अधीन है। उन्होंने जो है मतलब इस बात की जानकारी अवश्य प्राप्त करने का प्रयत्न किया है हाई कोर्ट ने कि भाई चयन अगर आपने कर लिया है तो नियुक्ति करने में क्या दिक्कत है। जाहिर सी बात है कि अगर आपने सदस्यों की चयन प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया है और जिन जिन सदस्यों को आपने चयनित किया है, अगर उनको नियुक्ति देने में क्या आखिर बुराई है, क्या दिक्कत आ रही है। ये अच्छा चीज है कि एक मतलब सार्थक प्रयत्न आरंभ किया गया है और ये सराहनीय है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि चीजें डिक्लेयर तो होनी है, लेकिन हाँ इतनी चीजें जरूर है कि आप सभी लोगों को तैयारी करने का भरपूर अवसर मिला है, इस अवसर का भरपूर तरीके से लाभ उठाएं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है यूपी कांस्टेबल नए विज्ञापन को लेकर के। एक आप लोगों के लिए जो है मतलब गलत फहमियां सोशल मीडिया थ्रू पे फैली हुई थी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो है मतलब इस चीज को डिक्लेयर किया है कि हमारे पास पदों की संख्या नहीं है। इस संबंध में पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के चेयरपर्सन से जब बातचीत की गई और उनसे ये चीज पूछा था कि शासन ने जब 30,000 पदों के कांस्टेबल भर्ती किए है ना मंजूरी दी है, तो यहाँ पे किस तरीके की समस्या आ रही है कि अभी तक यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। तो उन्होंने इस चीज को स्पष्ट किया था कि पिछली भर्ती में बहुत सारे विवाद हो चुके थे और उन विवादों से बचने के लिए इन सारी तैयारियों को कंप्लीट किया जा रहा है, ताकि यूपी कांस्टेबल के विज्ञापन में किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। आप सभी लोगों को ये जानकर के आश्चर्य होगा कि 3 OSD होते हैं वहां पे है ना, आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में 3 में से 2 को जो है मतलब वहां से पदच्युत कर दिया गया है, मतलब टर्मिनेट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, और एक ही OSD के मध्य पूरा कार्य आ चुका है। ठीक, कुछ विवाद आपके शेष थे पुरानी SI की भर्ती के लिए, कुछ विवाद अभी भी आपके यूपी कांस्टेबल में वो कुछ विवाद शेष है, उन सारी चीजों का निपटारा किया जा रहा है। और उन्होंने कहा था कि साल की शुरुआत या साल के अंत तक इसकी प्रक्रिया हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यूपी कांस्टेबल के नया विज्ञापन आप सभी लोगों का 26,162 पदों पर अवश्य आएगा, इसके लिए बेफिक्र रहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इसके लिए। ठीक है ना, आप लोग तैयारी अगर कर रहे हैं तो दौड़ना धूपना शुरू रखिए। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग इस समय अपने नए परीक्षा कैलेंडर की तैयारियों में लगा हुआ है और आपके नए परीक्षा कैलेंडर बनाए जा रहे हैं। और सूत्रों के अनुसार, चूंकि जो सूत्र हैं हमारे जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, उन्होंने बताया है कि फरवरी महीने में आप लोगों को एलटी ग्रेड का पेपर देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, मतलब एलटी ग्रेड आप सभी लोगों की टीजीटी और पीजीटी के पहले हो सकती है, क्योंकि जीएससी कॉलेजेस में 1 जुलाई तक अध्यापकों को प्रेषित करना है, तो एलटी ग्रेड आपकी कंप्लीट हो सकती है। ठीक, और जो महानिदेशक हैं महोदय, उन्होंने पदों को सत्यापित कराने के संबंध में जो जानकारी मांगी थी, भैया अपेक्षा से अधिक पद पहुंच चुके हैं है ना, अपेक्षा से अधिक पद पहुंच चुके हैं और ढेर सारे पद पहुंच गए। मतलब जितना उन्होंने सोचा था कि पद कम हो जाएंगे, लेकिन पद कम नहीं हो बल्कि पद बढ़ गए। क्यों? क्योंकि भाई अध्यापक रिटायर हो रहे हैं और हर महीने लगभग कुछ ना कुछ अध्यापक रिटायर हो रहे हैं, तो कहां से बचेंगे? पर क्या पैदा होंगे? अध्यापक तो पैदा होंगे नहीं, उनका चयन करना पड़ेगा ना। तो जाहिर सी बात है, इन सारी प्रक्रियाओं को लेकर के पदों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए आप लोगों की एलटी जीएचसी अब ज्यादा दूर नहीं है, निश्चित रहें इसके लिए। जो महानिदेशक ने पदों की डिटेल वगैरह मांगी थी, उसमें पद कम नहीं हुए हैं। ठीक है, आपके जीएचसी प्रवक्ता के लगभग 3,500 पद और एलटी ग्रेड के लगभग 12,500 पद, ये आप लोगों को 10,500 पद। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, निश्चिंत रहें। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए शासन ने कल सहमति दे दी। ठीक है, उसके लिए शासनादेश भी जारी हो चुका है। अब इसका विज्ञापन आप लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है लोक सेवा आयोग की तरफ से। जैसे ही परीक्षा कैलेंडर वगैरह उनका तैयार हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, वैसे ही इसका विज्ञापन तत्काल जारी कर दिया जाएगा। और आर ओ में अब ज्यादा लेट लपाट नहीं होने वाला है। आर ओ आप लोगों की 20 दिसंबर तक वो डिक्लेयर हो जाएगी। ठीक है ना, कुछ भी चीजें हो, आप लोगों की सारी चीजें डिक्लेयर हो जाएंगी। और विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं कि सर, शेड्यूल कास्ट वर्ग के वेटिंग लिस्ट में हमारा एलटी ग्रेड में कितने नंबर तक हो जाएगा? तो नंबर वगैरह डिक्लेयर नहीं किया जाता है वहाँ पे कि कितने नंबरों तक हम क्लियर कर रहे हैं। हाँ, अगर आप आधार नंबर से या 1 नंबर से रुके हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं। ठीक, इससे ज्यादा की उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग इससे ज्यादा मेरिट डाउन करेगा ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए। इसमें 50% का मुद्दा कुछ लोग कुछ ज्यादा हाइप पे ले आ रहे हैं, लेकिन आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, ये कोई मुद्दे नहीं है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आप लोगों की जो तैयारियां होनी चाहिए, वो तैयारियां परफेक्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को 2023 में सुपर टेट 3 स्तरों पर देखने के लिए मिलने वाला है। इसकी पूरी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, पूरी तैयारी है शासन की। और मैं भी जानता हूँ शासन स्तर की जो खबरें आप सभी लोगों को दी जाती है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ, वही चीजें आप लोगों के सामने आती हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों को इस बात की गारंटी देता हूं कि आपका सुपर टेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी और वो भी 74,000 पदों पर होगी। ठीक है ना, तो आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए, क्योंकि ये एकमात्र और इकलौती वैकेंसी होगी उत्तर प्रदेश शासन में बेसिक शिक्षा विभाग के लिए। ठीक, और यूपी टेट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए शासन स्तर पर जो है, मतलब ये चीजें अब सुगबुगाहट चलने लगी है। तो जाहिर सी बात है, आप लोगों को दिसंबर लास्ट तक इसका विज्ञापन भी देखने के लिए मिल सकता है। यूपी टेट का, यूपी टेट 2022 कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो है इसकी घोषणा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी कि भैया सुपर टेट वगैरह जो है स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो निश्चिंत होकर के तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोट साथ प्राप्त करने के लिए 97141385 पर संपर्क कर लीजिए हमसे। ठीक है, आपको प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी हमारी याचिका से या वेटिंग लिस्ट वगैरह का प्रत्यावेदन देना चाहते हैं, वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 97141385 पर संपर्क कर सकते हैं। और विशिष्ट बीटीसी 2008 वाले विद्यार्थी जो ज्वाइनिंग आदि के लिए भटक रहे हैं, अगर वो चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, उनकी नियुक्ति आदि की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़वा दी जाएगी। 12460 वाले तो बिल्कुल गायब हो गए, उनको कोई मतलब ही नहीं है, मतलब वो सिर्फ घर बैठ करके आनंद लेना चाहते हैं बस, बाकी प्रयास नहीं करेंगे। अगर कोई उनके लिए भी प्रयास कर रहा है, तो उसके लिए भी प्रयास नहीं करेंगे, है ना। और एक चीज है कि जो ये
बीपीएड सीपीएड वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए इतना प्रयत्न किया गया, लेकिन वो भी इस चैनल के प्रति जो है मतलब कोई भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाइए और इस चैनल को हर हाल में जो है 10,000 के आंकड़े के पार ले जाइए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ।